नमस्कार नवरा जी, और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे हफ्ते को देखें तो हफ्ते की शुरुआत तो खैर भयानक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हर दिन बाजार कुछ संभलता रहा। लेकिन इस संभलने की प्रक्रिया को आप कितने भरोसे के साथ देखते हैं, कितनी मजबूती के साथ देखते हैं? और इस बीच शुक्रवार का बाजार बंद होने के बाद एक पुराना पटाखा नए अंदाज में फूटा है, तो उसका कितना असर हो सकता है बाजार? नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है पहली चीज़ तो ये कि हमारा मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन का ही है, ट्रेंड अप नहीं है, अभी भी ट्रेंड अप नहीं है, लेकिन मोस्टली लार्जली कंसोलिडेशन का ही ट्रेंड दिख रहा है फिलहाल। कुछ शॉर्ट कवरिंग लेवल्स हैं, कुछ इंडिसेस की भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हिंडनबर्ग का नया पटाखा है, मेरे अंदाजे से अभी ये न्यू नॉर्मल समझ लीजिए। और देखिए, फिर से अदानी खाली ठीक है, कुछ नाम और ऐड कर दिए इन्होंने। तो मुझे लगता है पहले तो इनके रिसर्च की खुद ही एक प्रॉब्लम है कि एक बारी में आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं होता है, और दूसरी बात, एक ही इंसान बार बार अगर भड़काए तो फिर उसके भड़काने का बहुत ज़्यादा असर भी नहीं रहता है, अनलेस कोई सब्सटेंशियल चीज़ निकल के आए। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इसको, धीरे धीरे हमारी सोच भी मच्योर हो रही है। पहली बार हिंडनबर्ग ऐसा हुआ तो लगा कि सही में कोई शेर आ गया, लेकिन अब अंदाजा तो लग गया कि शेर नहीं, कोई गीदड़ आ गया। तो वो इससे कोई खास, भेड़िया है वाली कहावत हो रही है क्या? हाँ भेड़िया आया, सही वो वाली कहा। तो नेट नेट बहुत सब्सटेंस नहीं है इसमें अभी तक में, और जो मैंने जो पढ़ा भी उसमें भी निकल के यही आया है कि इनके जो क्लेम्स हैं, पहले तो उतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा दिमाग तो हमारे पास खुद ही है कि अगर बार बार एक ही चीज़ के रिसर्च में इतने दिन के बाद एक एक पीस निकल के आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ टारगेटेड अप्रोच चल रहा है, चाहे जैसे भी हो, वही समझ में आता है। क्योंकि अगर एक बार मैंने पूरी कंपनी पढ़ ली तो ये चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न, मुझे लगता है कि फिर 6 महीने बाद निकल के ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आना ही चाहिए था। तो खैर, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दम न दिखता है, ना कोई इंटरेस्ट है। नीजर्क हो सकता है क्या, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, बट उससे बहुत ज़्यादा मुझे कोई भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, और उसके बाद में बहुत ही कैटेगोरिकल क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है सेबी चीफ माधुपुरी बुच की तरफ से। लेकिन ये पूरा मामला कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चोरी की, चोरी करने के बाद माल कमाया, माल कमाया उसने, ये दुनिया में सबने देखा। उसके बाद जब थानेदार ने बुलाया कि आओ तुमसे पूछताछ करनी है, तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया कि थानेदार ही चोर है। अब क्या देख के तो ये लग रहा है ना कि अब इसमें अगर सेबी चेयरपर्सन को किसी भी तरह से अगर लेके आते हैं, तो मेनली इतना तो बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं होगा समझने के लिए कि टारगेटेड चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये बात है कि थोड़े अनइन्फॉर्म्ड रिटेल प्लेयर्स जो हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा, सेंटिमेंट वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन थोड़े दिन में अगर इनको समझाया जाए तो समझ में भी आना चाहिए। और अगर बड़े लोगों की तरफ से सेलिंग नहीं आए, बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो फिर ऐसे ही मामला ठंडा पड़ जाना चाहिए, फिर रिटेल खुद भी सेलिंग तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इस बीच कम से कम सेबी चीफ की तरफ से जो बयान आया है, वर्बेटिम उसे पढ़ के एक बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद ये समझ में आएगा कि उनके जवाब का जो उत्तर है वो क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिगेशन मेड इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट डेटेड अगस्त 10, 2024 अगेंस्ट अस, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो 10 अगस्त को जारी हुई है उसमें हमारे विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उसके संदर्भ में, वी वुड लाइक टू स्टेट दैट वी स्ट्रांगली डिनाई द बेसलेस एलिगेशन। हम बहुत ही मजबूती के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये जो आधारहीन आरोप लगाए गए हैं हम उसका खंडन करते हैं, एंड इंसिनुएशंस मेड इन द रिपोर्ट, जो भी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं, द सेम आर डिवॉइड ऑफ एनी ट्रुथ, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आवर लाइफ एंड फाइनेंसेस आर एन ओपन बुक, हमारी जिंदगी और हमारे वित्तीय मामले एकदम खुली किताब की तरह है। ऑल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड हैव ऑलरेडी बीन फर्निश्ड टू सेबी ओवर द इयर्स। जितने भी डिस्क्लोजर्स की जरूरत होती है वो सभी पिछले वर्षों में सेबी के सामने दाखिल की जा चुकी हैं। वी हैव नो हेजिटेशन इन डिस्क्लोजिंग एनी एंड ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों को डिस्क्लोज करने में, उनको सामने रखने में, प्रकट करने में हमें कोई हिचक नहीं है।
इंक्लूडिंग दोज और उन दस्तावेजों में वो भी शामिल होंगे जो उस अवधि के लिए हैं व्हेन वी वेयर स्ट्रिक्टली प्राइवेट सिटीजन, जब हम शुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत रूप में सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से थे, मतलब यह है कि जब सेबी में उनकी भूमिका नहीं थी। टू एनी एंड एवरी अथॉरिटी दैट मे सीक देम, किसी भी अथॉरिटी को और हर उस अथॉरिटी को जिसे उस दस्तावेज की जरूरत हो। फर्दर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह पारदर्शिता को ध्यान में रखने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, वी वुड बी इशूइंग ए डिटेल्ड स्टेटमेंट इन ड्यू कोर्स, आगे एक और विस्तृत बयान हमारी ओर से जारी किया जाएगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट हिंडनबर्ग रिसर्च अगेंस्ट होम, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जिसके खिलाफ सेबी हैज टेकन एन एनफोर्समेंट एक्शन, सेबी ने एक एनफोर्समेंट एक्शन शुरू कर रखा है एंड इश्यूड ए शो कॉज नोटिस और एक कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है, हैज चोजन टू अटेम्प्ट कैरेक्टर असैसिनेशन, उसने चरित्र हनन का प्रयास करने का रास्ता चुना है इन रेस्पॉन्स टू द थिंग, जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उसके जवाब में। तो ये बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, इससे साफ जवाब और कुछ नहीं हो सकता था, और जैसा इस बयान में स्पष्ट है कि आगे उनकी ओर से और भी विस्तृत दस्तावेज जारी किए जाएंगे। लेकिन सुमेश, मेरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ आप दिन को दिन कह दें, लेकिन एक तबका ऐसा है जो दिन को दिन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कहीं किसी चोर ने कह दिया कि नहीं ये रात, हाँ देखिए, सेबी चेयरपर्सन एक ऐसे चेयर पे हैं कि उनको इसके लिए कम से कम अपनी डिटेल्स एक बयान देना पड़ा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को भाव देना ही नहीं चाहिए, हालांकि ये बात उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैं कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव देना ही नहीं चाहिए, उनका काम है भौंकना, आइए भौंकिए जाइए, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल वो ऐसे पोस्ट पे डेजिग्नेटेड हैं कि उन्होंने अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब रही बात कि सामने वाले चिल्लाते रहेंगे तो उसका कुछ किया नहीं जाता है। अब मेरे सामने ही या आपके सामने ही कोई बैठ के चिल्लाया, ऊपर में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चिल्लाएंगे एक समय जाएंगे, अगर कुछ एविडेंस मिलेगा तो ही कुछ कर पाएंगे ना, बाकी उनके भौंकने से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है पड़ना चाहिए। बिकॉज सेबी एक हमारा रेगुलेटर है और उनके चेयरपर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी के चिल्लाने से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, उतना वैल्यू देना ही नहीं चाहिए।